राम राम किसान भाइयों, किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मिर्च की खेती के बारे में। यदि आप मिर्च की खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो ऐसी पांच किस्मों की किस्में हम आपको मिर्च की बताएंगे जिससे आप बोकर अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक होती है, इनका जो फल होता है गहरा हरा होता है, इनकी उत्पादन क्षमता अन्य किस्मों की अपेक्षा बहुत अच्छी होती है। और आप इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि यह कितने दिन में ट्रांसप्लांटिंग यानी नर्सरी के कितने दिनों बाद ये फल देने लगती है। किसान भाइयों, किसान भाइयों, और आपको किस किस समय दवा का स्प्रे या किस किस समय दवा का छिड़काव करना चाहिए और किस समय इसकी बुवाई करनी चाहिए ताकि आपको बाज़ार में अच्छा रेट मिल सके, अच्छा बाज़ार मूल्य मिल सके। तो इसके लिए सर्वप्रथम किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप मिर्ची की खेती करते हैं तो आप VNR कंपनी की जो आती है, VNR कंपनी की सुनिधि वैरायटी आती है, आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी बुवाई आप मई जून में कर सकते हैं और उसके बाद नवंबर दिसंबर में कर सकते हैं। किसान भाइयों, नवंबर दिसंबर में थोड़ी ठंडी होती है, जमाव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप इसकी बुवाई जो है मई जून में आप बड़े आराम से कर सकते हैं और मई जून में कर सकते हैं। ये VNR कंपनी की सुनिधि जो वैरायटी है, आप इसकी बुवाई मई जून में कर सकते हैं। और जो आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है ये VNR कंपनी की सुनिधि वैरायटी ही है। आप इसकी जो पैदावार की बात करें किसान भाइयों, तो ट्रांसप्लांटिंग के यानी नर्सरी के 60 से 65 दिनों में इसमें पहली तुड़ाई आप कर सकते हैं। इसके फल का जो साइज होता है किसान भाइयों, 8 से 9 इंच होता है किसान भाइयों, और इसका जो फल की मोटाई होती है किसान भाइयों, लगभग 1 सेंटीमीटर की होती है किसान भाइयों। और ये 10 ग्राम का पैकेट लगभग आपको बाज़ार में 400 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अन्य अन्य जगहों पर रेट अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकते हैं किसान भाइयों। उसके बाद में बात करेंगे दूसरे नंबर पर गोल्डन सीड की AK-47, जो कि बहुत ही अच्छी और रोग प्रतिरोधक क्षमता की बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसकी बात करेंगे किसान भाइयों, तो इसका जो फल, इसका ट्रांसप्लांटिंग के 60 से 65 दिनों में इसकी आप तुड़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद में इसका जो फल का साइज़ है, फल का साइज़ लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर होता है और इसका जो कलर होता है किसान भाइयों, गहरा हरा होता है। बात करेंगे तीखेपन की, बहुत ही अत्यधिक तीखा होता है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य किस्मों की अपेक्षा ज़बरदस्त होती है। और ये गोल्डन सीड का AK-47 के नाम से वैरायटी आती है किसान भाइयों। ये इसका जो कलर है वो गहरे हरा रंग का होता है और इसकी जो उपज है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी उपज होती है किसान भाइयों। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे महको सीड की तेजा वैरायटी के बारे में। इसकी जो आप नर्सरी के 65 से 70 दिन में ये वैरायटी आप पहली बार तुलाई कर सकते हैं और इसके फल का साइज़ जो है 10 से 11 सेंटीमीटर का होता है लगभग, और इसकी मोटाई जो होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर होती है इसकी जो मोटाई होती है फल की। और बात करेंगे तीखापन की, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तीखा होता है जिसका मार्केट में आपको रेट भी बाज़ार मूल्य भी अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है किसान भाइयों, जो कि हाईवे सीड का है, ईगल 151। ईगल 151, इसकी जो पहली हार्वेस्टिंग होती है किसान भाइयों, वो आप नर्सरी से लगाने के 55 से 60 दिन में आप इसकी पहली तुड़ाई कर सकते हैं। इसके फल का जो साइज़ होता है वो होता है 10 से 11 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होती है लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। बात करेंगे तीखेपन की, तो इसमें अत्यधिक तीखापन होता है और इसका फल बहुत ही सुंदर और सुडौल आता है किसान भाइयों। ये डार्क ग्रीन होती है, आप इसको पका भी सकते हैं किसान भाइयों, पका कर आप मार्केट में बेचने योग्य तैयार कर सकते हैं। बाज़ार मूल्य भी आपको
अच्छा मिलेगा किसान भाइयों। और इसकी बुआई जो करते हैं जून जुलाई में कर सकते हैं, और उसके बाद दिसंबर में, नवंबर दिसंबर दोनों महीनों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी उपज के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है। इसके बाद नंबर 5 पर आता है यूएस एग्री सीड का SW404 404 वैरायटी। यूएस एग्री सीड का जैसा कि बहुत सारे किसान भाई आप इसको लगाते हैं, इसको जानते होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है किसान भाइयों। यदि आप मिर्च की खेती करते हैं तो आप इस वैरायटी को जून जुलाई में बो सकते हैं, और उसके बाद नवंबर दिसंबर में भी इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके फल का साइज तकरीबन 8 से 9 सेंटीमीटर और फल की चौड़ाई 0.9 से 1 सेंटीमीटर के लगभग होती है, इसकी जो फल की मोटाई होती है। किसान भाइयों, यदि मिर्च की आप खेती करते हैं तो हमारे द्वारा सुझाई गई वैरायटियों को आप चूज कर सकते हैं, और बड़ी ही मात्रा में इसको आप लगाकर बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं बताए गए समय के अनुसार। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे या किसी भी कृषि विशेषज्ञ से आप संपर्क कर सकते हैं कि इनमें किस समय दवा का छिड़काव होना है और किस समय ट्रांसप्लांटिंग करना है, इसकी पौधरोपण करना है, और पौधरोपण करते समय किन किन खादों का प्रयोग करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, बेड बनाकर करना है या ऐसे ही नाली बनाकर इन पौधों को रोपण करना है, मल्चिंग विधि से करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए कृषि विशेषज्ञ से आप सलाह लेते रहें। किसान भाइयों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।